स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं पार्ट टाइम जॉब्स का रियल टाइम एक्सपीरियंस। मैं बनूंगा एक डिलीवरी बॉय। सो शिल्पा, कैसा होने वाला है आज? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि और इस वीडियो के लिए हमने एसोसिएट किया है गोरिल्लास के साथ में। तो सचिन एक्चुअली उनके डिलीवरी बॉय बनेंगे और डिलीवर करेंगे ग्रॉसरीज। तो देखते हैं, जैसे अगर आप जब आते हो एज ए स्टूडेंट या फिर जैसे अगर आप पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शंस देख रहे हो तो ये वाला जो ऑप्शन है वो कैसा रहता है, ऑन ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी आज। एब्सोल्युटली, और इसमें देखेंगे गोरिल्ला कैसे क्विकली डिलीवरीज कर पाता है कुछ ही मिनट्स के अंदर। सो देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम चल के जा रहे हैं गोरिल्लास के वेयर हाउस। और अगर हम आपको बताएं कि गोरिल्लास एग्जैक्टली है क्या सचिन, तो गोरिल्ला एक बेसिकली डिलीवरी सर्विस है जो कि यहाँ के जो ग्रॉसरीज होती हैं, जो फूड है, जो प्रोडक्ट्स इनके जो वेबसाइट पे विजिबल है, जो इनकी ऐप पे विजिबल है, वो आपके डोर स्टेप पे विद इन सम मिनट्स ये डिलीवर करते हैं। और जो गोरिल्लास की फूड डिलीवरी होती है वो होती है इन ई बाइक से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो बहुत ईजी हो जाता है राइडर्स के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकली टायरिंग नहीं होता है ड्राइव करने के लिए और वो फास्टर और एफिशेंटली डिलीवरीज कर पाते हैं। So, सचिन भी चलाएंगे आज इसको, मैं भी चलाऊंगी और देखते हैं कैसा रहता है इनका एक्सपीरियंस। Hi, hi Bia. Hi Sachin, how are you? I'm doing good. How are you doing? Very good. Cool. Then let's get started. Yes. Can you please show me your COVID certificate, please? Okay, I got it here. हमारे साथ हैं आनंद, जो अभी शेयर करेंगे बेसिकली मेरा डे आज कैसा जाने वाला है। सो आनंद बताओ, अभी मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना है? ओके, आप जब वेयर हाउस में आते हो तो आपको फर्स्ट आपके पास ऐप होना चाहिए, राइडर ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपको ऑनबोर्ड कर लेंगे। उसमें ऑनबोर्ड होने के बाद आपको फिर फर्स्ट राइड मिलेगी। ठीक है, उसके आपके साथ एक राइडर भी मिला जाएगा फर्स्ट डे पे कि आपको कैसा यू नो डिलीवरी करना है। ठीक है, और आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि बाइक कैसे यूज़ करनी है, आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स मिलेंगे। तो जैसे इक्विपमेंट्स के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं क्या क्या इक्विपमेंट मिलते हैं एक राइडर को बेसिकली? तो आपको हेलमेट तो कंपलसरी है यहाँ पे, बिकॉज यू आर इन वर्किंग इन द कमर्शियल। देन आपको जैकेट मिलेगा, हैंड ग्लोव्स मिलेंगे यहाँ पे, इनर स्लीव्स मिलेंगे, अगर रेन्स है तो रेन पैंट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये डेडिकेटेडली इंडिविजुअल राइडर्स को मिलते हैं। ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी शेयर्ड वन। रेडी फॉर योर डिलीवरी? टोटली रेडी। ऑर्डर आ चुका है, बैग में सामान रख लिया है मैंने। लेट्स गो। ऐसा लग रहा है कि उसको 50 किलो भर लिया है। नहीं नहीं, इट्स 10 केजी इज द ओनली लिमिट एंड ये ऑर्डर बहुत ही छोटा है, सो इट्स क्वाइट स्मॉल। हम लोग ऑलमोस्ट लोकेशन के पास पहुंचने वाले हैं। सो आनंद और मैं दोनों आज साथ में डिलीवरी करने वाले हैं फर्स्ट वाली। हम लोग आ चुके हैं, मेरे बैकपैक में पूरा सामान है और आनंद मेरे साथ है। चलते हैं फिर, ऊपर डिलीवरी करके आना है ना। कौन से फ्लोर पे? फोर्थ फ्लोर पे जाना है। सो बाइक को लॉक करके जाना चाहिए ताकि अब आपकी बाइक सेफ रहे। तो फर्स्ट डिलीवरी हो चुकी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्विक थी राइट। तो 6 मिनट में हमने ऑलमोस्ट डिलीवरी कर दी जो कि बहुत ही फास्ट था। उस बंदे ने हमें टिप भी दिया है, वो हम आप लोगों को एंड में दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं वापस वेयर हाउस पे। यहाँ पे आपको सिग्नल देखना है, पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो बेसिकली हम लोगों ने वो बटन दबा दिया है, तो अभी जब ग्रीन होगा तब चलते हैं और क्रॉस करते हैं रोड। हो रहा सामने गोरिल्लास का वेयर हाउस, शिल्पा लगता है वहाँ पे वेट कर रही है। तो अब जानते हैं आनंद से कि आनंद का यहाँ पे कैसा क्या एक्सपीरियंस है, कब उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था। सो आनंद, आपने गोरिल्लास को ज्वाइन कब किया? मुझे यहाँ पे एक साल हो गया। ओके, 2021 में स्टार्ट किया, मार्च 2021 में जब गोरिल्ला फ्रैंकफर्ट में लॉन्च हुआ था। ओके, एंड आई वाज द वन ऑफ द राइडर जॉइनिंग इन फर्स्ट बैच। ओह वेरी नाइस। फुल टाइम आप जॉब करते थे क्या? आपकी शिफ्ट्स के टाइमिंग रहते थे? शिफ्ट्स मॉर्निंग और आफ्टरनून है। ओके, अगर आप फुल टाइम हो तो आपको दो ही शिफ्ट मिलते हैं, इधर मॉर्निंग और आफ्टरनून, बिकॉज आपको 8 घंटा काम करना है। ठीक है, और मंडे टू सैटरडे जॉब होता है। ओके, तो आपको अगर फुल टाइम हो तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही काम करना है। ठीक है, एनीवे अगर आप ओपन हो सैटरडे के लिए तो आपको एक
दिन बीच में वीक में छुट्टी मिल जाएगी, कोई छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, सो सेकेंड डिलीवरी कर लिया है मैंने। काफ़ी कूल लग रहा है यार, काफ़ी अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब नहीं, पुराने टाइम में मैं जैसे पहुंच गया स्टूडेंट टाइम में, एकदम वही फील आ रही है। पर आर वाली बातें कर रहे हैं और बेसिकली यू नो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं कि आपको अपने जॉब में क्या स्पेशल लगता है गोरिल्लास के अंदर? गोरिल्लास में ज्वाइन किया था क्योंकि मुझको साइकिलिंग का पैशन है। सो साइकिलिंग, जिस जॉब में साइकिलिंग कर सकते वो मुझे इंटरेस्टिंग था। कूल। दूसरा था कि मुझको इंटरेक्ट करना था मल्टीपल यू नो लोगों के साथ। ठीक है। और गोरिल्ला में आपको चांस मिल जाता है, फिर गोरिल्ला पे भी अच्छा करता है, पर आवर आपको बोनस भी मिलता है अगर आप एक्स्ट्रा डिलीवरीज करते हो तो। और ये दो तीन चीज़ें हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आपका क्या सोचना है? फ्लेक्सिबिलिटी गोरिल्ला आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है अच्छा खासा। आप नोटिस ऑफ इंटरेस्ट डालो और उस हिसाब से आप ये भी कर सकते हो कि यू नो आप शिफ्ट आपका प्लान करो, वेयर हाउस मैनेजर से बात करो, वो आपको अप्रूव कर देगा उस शिफ्ट आपके लिए। सो आनंद, ये तो बात होगी कि आपने आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही, बट अब आप बेसिकली, अब आपका क्या रोल है? अभी भी आप राइडर हैं या फिर आपने अपना रोल चेंज किया है? नहीं, मैं ज्वाइन तो राइडर करके किया था। ठीक है। और ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद मेरा परफॉर्मेंस देख के, फिर मेरा इंटरेक्शन देख के, ठीक है, टीम में वेयर हाउस में जो भी इनर वेयर हाउस ऑपरेशन है उसको मैंने एनालाइज किया। ठीक है। एंड फिर जो मैनेजर है उन्होंने मुझको चांस दिया, तो मैं अभी डिप्यूटी सुपरवाइजर हूँ। ओके, दैट्स वेरी गुड। फ्रॉम लास्ट 6 months आई एम एज अ डिप्यूटी सुपरवाइजर नाउ हियर। कूल। सो अगर हम जर्मनी में देखें तो पर आवर जो मिनिमम वेज है वो अराउंड 9.82 यूरोस रहती है, तो गोरिल्लास कितना ऑफर करता है पर आवर आज के दिन में अगर कोई ज्वाइन करता है एज ए राइडर? राइडर को यहाँ पे पर आवर 12 यूरो मिलते हैं। दैट्स वेरी गुड यार। हाँ, तो मतलब 9.82 और बेसिकली 12 यूरो में तो काफ़ी डिफरेंस हो गया, तो काफ़ी अच्छा आवरली रेट रहती है। हाँ, लेकिन वो 12 यूरो जो पर आवर है दैट इज ओनली फॉर द आवरली पेड। ठीक है। लेकिन राइडर जब राइड लेते हैं तो कस्टमर्स जो टिप देते हैं विच इज ऑल्सो टैक्स फ्री। ओ, दैट्स वेरी गुड। सो अगर आप बेसिकली कोई काफ़ी क्विक डिलीवरी करते हो तो ऑफकोर्स आपके जो कस्टमर्स होंगे वो ज़्यादा हैप्पी होंगे और वो आपको अच्छी टिप भी देते हैं। सो दैट्स आई थिंक वेरी गुड पॉइंट हियर। और एक और भी मैंने जैसे इंटरनेट पे पढ़ा है कि जैसे नंबर ऑफ डिलीवरीज एक्सीड करते हैं एक सर्टेन नंबर से तो वो आप एडिशनल पेमेंट भी देती है गोरिल्ला, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, तो उसको हमने बोला गया है कि बोनस, वर्क बोनस, आप जब एक पर्टिकुलर नंबर है 3 orders पर आवर, ठीक है, उससे अगर एक्सीड करते हो दैट इज एवरेज। ठीक है। तो हर महीने वो कैलकुलेट होते हैं आपने कितने आवर्स काम किया है, फिर आपने कितने एक्स्ट्रा डिलीवरीज की है, और जो एक्स्ट्रा डिलीवरीज है उसके लिए 4 यूरो पर डिलीवरी आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ओके। विच इज़ अ बोनस फॉर यू बिकॉज यू डिलीवर मोर। तो हमारे पास एक राइडर है जो यानी परफॉर्मिंग बहुत सारे राइडर, लेकिन वो राइडर ने लास्ट मंथ में लगभग 700 डिलीवरीज किए हैं। ओके। और उसका टिप्स और जो बोनस है वो सब मिला के जो उसको नेटो यानी नेट सैलरी जो उसके हाथ में ये वो लगभग 2500 यूरो जाती है। ओके। सो ये तो बहुत अच्छा है, मतलब अगर 2500 यूरो किसी को नेट इनकम भी हुई है सो दैट्स अ वेरी डिसेंट, दैट्स लाइक आई डोंट नो कॉर्पोरेट जॉब्स में आती है ये वाली सैलरीज यूजुअली जो बैचलर्स मास्टर्स करते हैं उसके बाद में। वो एक्चुअली ये सैलरी वेयर हाउस मैनेजर के नेटो सैलरी से भी ज्यादा है। दैट्स वेरी गुड। सो आई थिंक वो बंदे ने काफी एफिशिएंटली काम किया होगा तभी उसने उसको ऐसा सैलरी मिली। मुझे लगा वन वे स्ट्रीट है बट साइकिल फ्राई है। अरे, साइकिल होने का यही मजे हैं यार, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ओहो, ये बच्चा गिर गया। टेक केयर। और ई बाइक होने के तो और ही मजे हैं, मतलब फुल भागती है। तो थर्ड डिलीवरी कंप्लीटेड, काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लेट्स गो। सामने आपको दिख रहा होगा वेयर हाउस, शिल्पा वहीं कहीं बैठी है, यहाँ नहीं आया, ग्रीन एक ही साथ आना चाहिए था दोनों का। शिल्पा एनीथिंग? नो, इट्स जस्ट नियर बाय। शिल्पा कह रही है कि बहुत जल्दी आया हूँ मैं। तो अब हमारे साथ है जीनल, तो मैं मिलवाती हूँ आपको जीनल से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वीडियो में आने के लिए। Hi. और आप बताना चाहेंगे कि आप कब से हैं गोरिल्लास के साथ में?
एंड कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? दिस इज माई, ये मेरा 7th डे है आज, सो इट्स क्वाइट गुड. एंड सब गोरिल्ला में बहुत फ्रेंडली है, सो मज़ा आ रहा है. या तो आपने जैसे क्यों सोचा कि आपको यहाँ पे करना है? जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे यूनिवर्सिटी में, फिर आप पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शन देख रहे होगे, तो गोरिल्ला के साथ में आपने क्यों सोचा वर्क करने का? क्योंकि गोरिल्ला को जर्मन की ज़रूरत नहीं थी. सबसे बड़ा बेनिफिट. या सो आई जस्ट अप्लाइड ऑन ऑनलाइन. हाँ. एंड या दैट्स इट. और कैसा था लाइक आपका एप्लीकेशन से लेके जॉब तक का प्रोसीजर? वॉज इट ईजी? या इट वॉज ईजी. अच्छा, तो अभी आप कितने आवर्स वर्क कर रहे हो? इट्स 20 आवर्स पर वीक. अच्छा, तो वही जो स्टूडेंट्स को अलाउड होता है 80 आवर्स पर मंथ वाला. 80 आवर्स पर मंथ. हाँ. yes. और आई थिंक सैलरी की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो आपकी भी उतनी होगी ना? 12 यूरोस. यस, 12 यूरोस पर आवर. हाँ. और उसके ऊपर फिर टिप्स आप बताना चाहेंगे इफ यू आर कंफर्टेबल? जैसे आप अगर ऑन एन एवरेज कितनी राइड्स करते हो और उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली कितनी टिप मिल जाती है? ऑन एन एवरेज अगर मेरी 8 आवर्स की शिफ्ट होती है तो 24. एंड आज मेरा 7th डे है, तो टोटल मेरी टिप है 60 यूरोस. ओह वाव, काफ़ी yes. अच्छी है फिर. yes. तो हाँ. तो आप जैसे रेकमेंड करोगे और जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको जैसे पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शन देख रहे हैं, तो विल यू रेकमेंड गोरिल्ला टू देम एंड व्हाई? यस, आई विल डेफिनेटली रेकमेंड देम बिकॉज गोरिल्ला इज क्वाइट ईजी फॉर टू अप्लाइंग एंड इट डजंट नीड जर्मन लैंग्वेज. सो या, एंड द एटमोसफियर इज वेरी फ्रेंडली इन गोरिल्ला. सो परफेक्ट. सो आई थिंक इट्स वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली एज वेल. यहाँ पे आपका जो, आपको क्या लग रहा है अभी ऑलरेडी 7 डेज हो गया है, टिप भी 60 यूरो आ गया है, तो आपको क्या लग रहा है लाइक 80 आवर्स आप पूरा काम करोगे तो कितना पैसा अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा? 80 आवर्स इंटू 12 करेंगे तो 960. एंड सब कुछ मतलब टिप और सब कुछ मिला के अगर करेंगे तो 900 अराउंड मिल जाएंगे. और टिप्स में तो टैक्स भी नहीं होता सर. हाँ, तो जैसे जो भी आपका टैक्स थोड़ा बहुत डिडक्ट होगा वो आपका टिप से कवर हो जाएगा. तो इवेंचुअली आप फिर भी महीने के जैसे 900 यूरोस बना लोगे. और एक चीज बताओ, जैसे आपका एज ए स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना है अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीट्स फॉर अकोमोडेशन और सब होके 400 टू 500. 400-500 में आप जैसे आपका पूरा एक्सपेंसेस है 900 यूरो आप अर्न कर रहे हो, तो बेसिकली आप मतलब सेव ही कर पा रहे हो ना? दैट्स वेरी गुड. तो वही हम हमारे वीडियोस के थ्रू भी बताते रहते हैं कि यू नो यू कैन वर्क हियर एज अ स्टूडेंट और आप अपना एक्सपेंसेस कवर करके पैसे सेव भी कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड अबाउट लाइक स्टडिंग इन जर्मनी. सो नेक्स्ट सवाल आता है कि आप बेसिकली गोरिल्लास पे जॉब करना क्यों रेकमेंड करेंगे किसी और को? जर्मनी में आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिलना थोड़ी दिक्कत आती है. तो जब आप जर्मनी में आते हो और आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब चाहिए तो गोरिल्ला इज़ योर फर्स्ट, यू नो आई विल रिकमेंड गोरिल्ला फॉर दैट. सेकेंडली, अगर आपको साइकिलिंग अच्छी आती है और साइकिलिंग का इंटरेस्ट है, वो इज़ यू नो सेकेंड पॉइंट कि आप गोरिल्लास को चूज़ कर सकते हो. थर्ड इज़ आपको गोरिल्ला पे अच्छा करता है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी है शिफ्ट में आपको, और आपको बोनस भी मिलता है, कुछ गुडीज भी मिलते हैं वेयर हाउस में आपको. तो दैट इज दी यू नो कपल ऑफ थिंग्स विच आई विल डेफिनेटली रिकमेंड गोरिल्लास टू जॉइन. ओके, आई थिंक एज ए न्यू कमर काफी इजी है जॉब लेना यहाँ पे. सो दैट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट, राइट? ओके, तो हो गई है सचिन की शिफ्ट्स पूरी. बहुत ही मुश्किल से बोला है अब रुक जाओ. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं तो एकदम काम में लग गया था. मुझे लगा कि चलो यार एक दो और डिलीवरी निपटाता हूँ. मैंने आनंद को बोला है कि अगर एक और दो डिलीवरी आ रही है इसी एरिया में तो मुझे असाइन कर दो और करता हूँ. बट अगर अभी तक की बात करें तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. टोटल मेरी हो गई 3 डिलीवरीज. सो मैंने 3 डिलीवरी करी हैं. ऑलमोस्ट 1 घंटा मैं ऑनलाइन रहा था ऐप में. सो जिसमें काफ़ी क्विक हो रहा था. और जो पहली डिलीवरी थी उसमें आनंद थे, राइट, मेरे साथ. उसके बाद में वो दोनों थी मैंने खुद से ही करी हैं. ही इज लाइक कि अभी मेरे को समझ में आ गया है, मैं कर लेगा. ई बाइक है, मस्त है, मैं जाएगा अकेला. मतलब बहुत इजी है. मतलब ऐप में एड्रेस डाला है, अगले का एड्रेस आता है, नाम आता है प्रॉपर, सब कुछ आता है, फोन नंबर आता है. अगर आप कन्फ्यूजन में होते हो तो उनको कॉल कर लो. तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. 3 डिलीवरी करी, उसमें 2 यूरो मुझे ऑफलाइन टिप मिल गई. वाह. और 1.50 की अभी देता हूँ, 1.50 का ऑनलाइन वाला जो टिप मिल गया. टिप बेसिकली आपकी टैक्स फ्री होती है, कोई टैक्स नहीं लगता. तो अगर 1 घंटे का काम का अगर आप पैसा देखते हैं
तुरंत 12 यूरो आपने पर आर का रेट मिल गया और 2.5 यूरो वो मिल गया, तुरंत 14.5 यूरो की आपकी बेसिकली यू नो अर्निंग हुई है एक घंटे में, जो कि ऑलमोस्ट 1100 से ज़्यादा होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो बंदा 8 घंटे काम करेगा उसको कितना पैसा मिलेगा। और आपने वो अदर जो राइडर थे उनसे भी बात करी, तो उनका क्या एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ वो ज्यादा शिफ्ट करी ना उन्होंने। वो बंदा मतलब ऑलमोस्ट तो फर्स्ट डे था। एब्सोल्युटली फर्स्ट डे होता है तो ऑफ कोर्स ये स्लोली आपका स्टार्ट करवाते हैं, फर्स्ट डे ऐसा कुछ उतना हसल होती नहीं है कि आपको यू नो बार 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 राइड देंगे, और आपके साथ में कोई ना कोई बंदा रहता है अगर बड़ा ऑर्डर है और गाइड करने के लिए भी रहेगा शुरू शुरू में। तो उस बंदे से जो बात करी उसने अराउंड अभी मुझे दिखाई थी अपनी ऐप अराउंड 6.5 आवर्स जॉब किया, जिसमें 15-ish डिलीवरी करी उसने, उसको टिप्स भी अच्छी मिली हैं, और 6 घंटे में वही है यार अराउंड 72 यूरो राइट। तो उतना तो उसको वैसे ही सीधा ही मिल गया और प्लस टिप्स अलग मिली हैं। सो काफ़ी मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रोडक्टिव है, और सबसे बड़ी बात है कि लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम की कुछ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा लोड भी नहीं है, सिर्फ फ्राइडे सैटरडेज को थोड़ा बहुत लोड रहता होगा, बाकी दिन तो काफ़ी कन्वीनियंट है ये जॉब। तो गोरिलास के यहाँ पे अगर आप लोग भी स्टूडेंट के जैसे या फिर फुल जैसे पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करने में इंटरेस्टेड है, तो इनकी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस कि अगर आपने यहाँ ऑलरेडी काम किया है या करते हो फ्यूचर में, तो ज़रूर बताना कैसा रहता है। और बाकी ये वीडियो अच्छा ही लगना चाहिए, सचिन ने इतनी मेहनत करी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, मतलब एक रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको देखना कैसा लगा कि यहाँ पे जॉब्स जो बेसिकली डिलीवरी के जॉब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ज़रूर अपना कॉमेंट में यू नो फीडबैक शेयर करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, हमने काफ़ी सारा एफर्ट डाला, पूरे दिन यहीं पे आए हुए हैं और सीख रहे थे कैसे क्या काम होता है, कैसे क्या डिलीवरीज होती है। पीछे आपको दिख रहा होगा वेयर हाउस का गेट है, काफ़ी सारे बंदे बैठे हैं सब अपनी ई बाइक लेके, और अंदर पूरा बैठने की जगह है, अपना खाना वाना खा सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, पानी पी सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।